नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है ब्रिगेडियर विद्यासागर। नेक्स्ट। आप देखिए, जब नौकरी आप करते हो, हर साल आप अपना रैंक में ड्यूटी करने के बाद नेक्स्ट ईयर आपको एक साल का इंक्रीमेंट मिलता है। सो जब आप पे बढ़ेगा तो पेंशन भी बढ़ेगा। लेकिन आप ओआरएफ में क्या करते हो, हम रिवीजन करेंगे 5 साल के बाद। दैट मीन्स 2014 में जो आपका पेंशन फिक्स हो गया और 5 साल तक वही रहेगा, कोई बढ़ोतरी नहीं है उसमें। लेकिन जो आदमी 2014 में रिटायर होता है, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में भी रिटायर होता है, वो इंक्रीमेंट लेने के बाद उसका पे बढ़ेगा, पेंशन भी बढ़ेगा। सो दोनों का पेंशन अलग अलग है। सो वेयर इज ओआरओपी? 5 साल में ओआरओपी नहीं होगा। ओआरओपी आप देना है, हर साल पेंशन को रिवाइज करना है। नेक्स्ट। ये ओआरओपी 2013 जो सर्कुलर मैंने आपको दिखाया, सर्कुलर 555, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है सिपाही, नायक, हवलदार और मेजर, और मेजर एमएनएस कोई फायदा नहीं है उनको। एक मेजर साहब रिटायर हुए थे 22 साल नौकरी के साथ, उसका जो तनख्वाह है पेंशन 23,815। फिर बोलते हैं भाई बाकी कोई मेजर रिटायर नहीं हुए थे, इसलिए हम सबको, चाहे वो 23 साल हो या 33 साल हो, हम उसको उतना ही देंगे। देख भाई, फौज में नौकरी करेगा तो उसको पेंशन में, उसका जो पे में बढ़ोतरी है, इंक्रीमेंट है। सो सपोज 22 साल इस आदमी ने काम किया और कोई दूसरा मेजर साहब 33 साल नौकरी किया होता, उसको 11 इंक्रीमेंट मिलना चाहिए था, पे बढ़ेगा ना। लेकिन पेंशन आप बराबर कर रहे हो 23,815। वेयर इज ओआरओपी? एमएनएस मेजर कोई रिटायर नहीं होता, सब लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए, इसलिए एमएनएस जो रैंक में रिटायर हुए थे पहले वाला वो भी मिलेगा नहीं है। तो ओआरओपी किस लिए दे रहे हो? ओआरओपी इसलिए दे रहे हो लोगों को कम पेंशन मिल रही है। जो मेजर एमएनएस पहले जो रिटायर हुआ था उसको आप बोलते हो नहीं मिलेगा, अन्याय उनके साथ हो रहा है ना। नेक्स्ट। जो रेजिमेंटल कमीशन ऑफिसर्स और स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स, वो कमीशन ऑफिसर्स हैं, का मतलब क्या है, वो एसएसबी में जाते हैं, वो टेस्ट देते हैं, उसमें पास होते हैं, फिर ऑफिसर ट्रेनिंग करते हैं 6 महीना 9 महीना ऊटी चेन्नई में, फिर वो ऑफिसर बनता है, वो कमांड करता है ट्रूप्स को। और क्या किया आपने, वैसा कमीशन ऑफिसर को आप जेएसओ, जो ऑनररी लेफ्टिनेंट है, ऑनररी कैप्टन, ये जेएसओस हैं, ये ट्रूप्स को कमांड कर नहीं सकते हैं, उनके पेंशन के साथ बराबर कर दिया, ये अन्याय हुआ ना। पेंशन आप कैसा फिक्स करते हो? हो सकता 2013 में 15 साल से लेकर 33 साल 6-6 महीने के इंटरवल में रिटायर नहीं होंगे, कोई रिटायर होता है लेट अस से 21 साल में, बहुत अच्छा। सो 20 साल वाला सपोज रिटायर नहीं है तो उसका पेंशन कम होना चाहिए, क्योंकि लोग जो कम सर्विस करते हैं उनका पे भी कम है, पेंशन भी कम होना चाहिए। करेक्ट, सरकार ने जो किया बिल्कुल सही है, उसका 3% पेंशन कम कर दिया, बहुत अच्छा। लेकिन 22 साल नौकरी जो किया हुआ, उसने 1 साल एक्स्ट्रा किया है तो उसको भी बेनिफिट देना चाहिए ना आपने, उसको तो बराबर कर दिया आपने, चाहे वो 22 किया या 21 किया, उसका पेंशन सेम है, इनके इंक्रीज नहीं कर रहे हो। और मैंने देखा एयरफोर्स में स्पेशली HF फोर्स और HFC होते हैं, ऑनररी फ्लाइंग कैप्टन, ऑनररी फ्लाइंग ऑफिसर, वो लोग 38 साल, 29 साल, 40 साल नौकरी करते हैं, लेकिन उसका पेंशन आपने 33 में फिक्स कर दिया। व्हाट हैपेंड? 34 से लेके 40 साल तक उसने नौकरी किया, उसको कोई बेनिफिट आप नहीं दे रहे पेंशन में, ये अन्याय है ओआरओपी में। नेक्स्ट। सो जस्टिस नरसिम्हारेड्डी साहब, जो पुराना चीफ जस्टिस है पटना हाईकोर्ट, उन्होंने हर एक जगह में गए, 19 लोकेशंस में गए, लोगों से बात किया, उन्होंने नोट किया क्या अनोमली है, नुकसान हुआ नहीं हुआ, गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट कर दिया 26 सितंबर 2016। बट हमारा सरकार इतना अच्छा है कि वो लोगों को 5 साल लग रहा है फिर भी कोई डिसीशन नहीं दिया, वो बोलते हम दे देंगे, अपना मर्जी से हम देंगे। बट जब सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा अपना जजमेंट में, हो सकता है वो बोलेंगे सरकार को भाई 5 साल हो गया अभी निकाल दो,
जो भी डिसीजन देना है तो बोलो, नरसिम्हा रेड्डी साहब का रिपोर्ट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो भी मंजूर है, सरकार के पास अधिकार है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बोलता है देखो हमने कितना पैसा खर्च कर दिया पिछले जो 6 साल में, 42,700 करोड़ दिया, और हमारा माननीय प्रधानमंत्री साहब अनाउंस करते हैं 1,00,000 करोड़ रुपया उनको, 2,00,000 करोड़ रुपया उनको। जब आप लाख करोड़ की बात करते हो, आप 7,123 करोड़ वो आरोप में नहीं दे सकते हैं। आप सोचिए। नेक्स्ट, अभी ये वो आरोपी के बारे में मैं किस लिए वीडियो बनाया है, जो हमारा मेंबर्स है की सेवा का या नॉन मेंबर्स है। आजकल न्यूज़पेपर में ये सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रही है IESM वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कुछ खबर आ रही है, वो सुन के मेरे से पूछते हैं साहब आप इसके बारे में बताइए। भाई देखिए, मैं जज नहीं हूँ, मुझे क्या मालूम है, लेकिन मैं जो भी ओ आर ओ पी के बारे में जो भी जानता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ ना। इसमें क्या है, ये 2016 में केस फाइल किया, अभी 5 साल के बाद अभी सुनवाई शुरू हुआ है। IESM का जो एडवोकेट है उन्होंने अपना जो पक्ष रखा है, 3-4 घंटा उन्होंने आर्ग्यू करके, भाई वो आरोपी ये नहीं है जो सरकार दे रही है हमको, वो आरोपी हर साल होना चाहिए, 2014 में जो रिटायर हुए उनका आपको पेंशन वर्कआउट करना है, 2013 में नहीं होना चाहिए, और जो भी उनका पक्ष जो है वो बताया है। और सरकार का जो एडवोकेट है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब एन वेंकटरामन साहब, उन्होंने अपना जो आर्गूमेंट है वो अदा किया है। नेक्स्ट एडजमेंट हो गया 22 फरवरी, 1 हफ्ते के बाद। क्या हो सकता है, मैं तो जज नहीं हूँ, मैं आपके जैसा हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, देखो IESM हमें ये चाहिए करके बोल रहा है, गवर्नमेंट बोलता हम यही दे सकते हैं, सो सरकार सुप्रीम कोर्ट दोनों को बात सुनेगा। इधर IESM सही है बोलते हैं उसका पेंशन रिविजन हर साल दे दो करके सरकार को बोल सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये सोचता है नहीं भाई देखो हर साल देना इतना मुश्किल है, पैसा नहीं है सरकार के पास, इसलिए भाई ठीक है 5 साल दे रहे हैं, 5 साल दे दो। सो ये जजमेंट आ जाएगा हमको 2019 से जो फाइनेंशियल बेनिफिट वॉर ओ पी सेकेंड वॉर ओ पी मिलना चाहिए वो मिल जाएगा, ये मैं ऐसा समझता हूँ। पेंशन टू बी फिक्स्ड मैक्सिमम, वैसे टी सेवा भी अभी तक ये बोला वॉर ओ पी आप करेक्ट फिक्स करना है तो मैक्सिमम होना चाहिए, एवरेज नहीं होना चाहिए, IESM यही बात करता है। सो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है मैक्सिमम फिक्स करो और वॉर ओ पी टेबल बदल करो, या गवर्नमेंट बोलता है नहीं 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 साहब पैसा नहीं है एवरेज रहने दो, सुप्रीम कोर्ट वो भी मान सकता है, मान सकता है। नेक्स्ट, सो मैंने बताया पेंशन फिक्सेशन अभी क्या हुआ था, 2013 का पेंशन के ऊपर फिक्स किया है, बट IESM बोलता है नहीं हमको 2014 से होना चाहिए, हो सकता है सरकार सुप्रीम कोर्ट इसकी बात मान सकता है, या सरकार बोलता है नहीं साहब 2013 बिल्कुल सही है, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी भी बात मान सकता है। बट एक मैं कन्विंस हो गया हूं, जो भी है जजमेंट जो भी मिलेगा, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट बोलेगा देखो जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी साहब 19 लोकेशन में गए, उसने अपना रिपोर्ट आपको दे दिया, आप पढ़ो जो आप दे सकते हो दे दीजिए, सो कुछ बेनिफिट्स कुछ लोगों को मिल जाएगा। मुझे बहुत खुशी मिलेगी जब सिपाही नायक हवलदार को न्याय मिलना चाहिए, सिमिलरली लेफ्टिनेंट कैप्टन जो RCOs हैं SCOs हैं उनको भी मिलना चाहिए, मेजर MNS उनको भी मिलना चाहिए। होपफुली हम आशा करते हैं होपफुली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जल्दी दे देगा, फिर हमको हमारा जो सेकंड वॉर ओपी 2018 वाला जो है 2019 से हमें बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब है वो अपना टाइम में चीफ जस्टिस भी बनेंगे, वो प्लस और दो जज साहब लोग 3 जज बेंच एक केस IESM का सुन रहे हैं, उन्होंने एक कमेंट दिया, वो कमेंट हमारा फेवर में है। वो क्या बोला है, प्रॉब्लम इज योर हाइपरबोले ऑन द पॉलिसी प्रेजेंट्स ए मच रोजियर पिक्चर देन व्हाट इज एक्चुअली गिवन। वो सरकारी वकील को बताया भाई आप बोलते हो हमने इतना दे दिया लेकिन हमें मालूम होगा आप इतना ही दिए हैं,
सो आप ज्यादा एग्जेजरेट कर रहे हो. सो वन गुड थिंग, बट जजमेंट में ये होगा नहीं होगा वो हमको देखना है. नेक्स्ट, मैं जानबूझ के ये वॉर ओपिनियन में ज़्यादा फास्ट गया क्योंकि वीडियो टाइम कट करना है. सो हो सकता है आपको कुछ बात मेरे समझ में नहीं आया होगा. इस वीडियो को आप रिवाइंड करिए और पास करिए. ये जो बहुत ही सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखा वो आपको समझ में आएगा. आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए T7 में. हमारा जो है मोबाइल नंबर दिया गया है, आप SMS करिए फिर हम जवाब देंगे. या हमारा ईमेल आईडी ये है tryservices.hyd@gmail.com. आप ईमेल भेज दीजिए. आपके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शन है तो फटाफट आपको भेज दीजिए, हम उसका जवाब देंगे. या आप बोलते साहब कहाँ SMS करेंगे, कहाँ ईमेल भेजेंगे, फिर हमारा वेबसाइट जाइए www.tseva.org. उधर आपको स्पेस दिया है, उसमें आप अपना जो शक है डाउट है आप एंटर करिए, हम पढ़ के उसको जवाब दे देंगे. बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर स्पेरिंग योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो. मुझे मालूम है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट आई एम श्योर इसके बाद आपको वॉर ओपिनियन में कोई शक नहीं होना चाहिए. थैंक यू. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू. जय हिंद.